अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंडस में खुश आमदी। तो आज आपके लिए बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत से बेबी बॉय हाफ स्वेटर की वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और देखिए, इसका वी जो है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। इस तरह से भी वी बनाया जा सकता है। और इसके वी का जो बॉर्डर है, इसके लिए मैंने अलग से फंदे उठाकर वी का बॉर्डर नहीं बनाया, बल्कि जब मैंने ये बना रही थी मैं फ्रंट साइड, तो उसके साथ साथ ही ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। इसी तरह से आर्म होल का बॉर्डर भी अलग से फंदे उठाकर मैंने नहीं बनाया, बल्कि इसके फ्रंट के साथ ही मैंने इसको बुनकर, तो इस तरह से ये इसका आर्म होल का बॉर्डर भी बना लिया है। तो इस तरह से जब बनाते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होता है। ये हाफ स्वेटर मैंने बनाया है 2 साल के बच्चे के लिए। आप बड़े या छोटे साइज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें, बैक साइड पे भी मैंने पैटर्न बनाया है और फ्रंट पे भी इसके पैटर्न बनाया है। तो इस पैटर्न की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो लंबाई इस हाफ स्वेटर की है 33 सेंटीमीटर या फिर 13 इंचेस। चौड़ाई को देख लेते हैं। तो इस आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक इसकी चौड़ाई है तकरीबन 24 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 9.5 इंचेस। तो 2 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को ये बहुत ही आसानी से आएगा। और इसकी साइड पे ये देखिए, थोड़ी सी इसमें यूनिकनेस है जो इसको स्मार्ट लुक दे रही है, वो ये है कि इसकी साइड पे ये देखें सीधे सीधे फंदे रखे हैं, और राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इनको सीधा सीधा बनाया है। इसकी वजह से थोड़ा सा इसका लुक बड़ा स्मार्ट सा आ जाता है, और जब बच्चे पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये उनके बॉडी के साथ लगा रहता है। ये देखिए, स्ट्रेच इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इस ये जो पैटर्न है इसमें नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो बच्चों के स्वेटर के लिए ये पैटर्न बहुत ही आइडियल है इसकी। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस बेबी बॉय हाफ स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ली है नॉर्मल बेबी वूल। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, ना ही बहुत थिन होती है। अगर इसके स्ट्रेन को खोलें तो ये 3 स्ट्रेन वूल है। इस तरह से ये देखिए, 3 धागे हैं इसमें। नीडल साइज़ जो इसके साथ मैंने लिया है वो है 9 नंबर या 3.75 mm। और मैंने 56 स्टिचेस कास्ट ऑन किए नीडल पर, और 2x2 रिबिंग करते हुए, 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 13 रोज़ बनाए। अब देखिए, हमने यहाँ पर पैटर्न बनाना है। तो जो पैटर्न मैं इसमें बना रही हूँ, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, इस स्वेटर में जो है 6 फंदे जो हैं दोनों साइड पर ये रहेंगे सीधे सीधे, जिनको मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है। तो मैं आपको एडजस्ट करना बताती हूँ पैटर्न को, कि इसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो 6 फंदे सीधे बनाएंगे जो स्वेटर के दोनों तरफ रहेंगे, 4, 5 और 6। अब देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा आसान पैटर्न है। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर से 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे। इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदे सीधे,
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ एंड पर भी हमारे पास चार फंदे आए हैं सीधे, और बिगनिंग में भी हमारे पास यहाँ पर चार फंदे सीधे थे, और ये साइड पे हमने छह फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा ही बुनना है, राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से। तो इन छह फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रॉ है, छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो चार फंदे उल्टे, ये फंदे राइट साइड से सीधे थे, अब रॉन्ग साइड से इनको हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, ये जो चार फंदे हमने उल्टे बनाए थे उनमें से अब रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी को पूरी रॉ में हमने रिपीट करना है, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट करूँगी। वैसे इस पैटर्न की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, और छह फंदे साइड के जो हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधे ही बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न की दो रोज़ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं दो रोज़ को मैं दो बार और रिपीट तो देखिए करूँगी। व्यूअर्स, मैंने उन्हीं दो रोज़ को दो बार और रिपीट कर लिया है, यानी यहाँ पर टोटल छः रोज़ बन गई हैं। और अगर रिजेस यहाँ पे काउंट करें तो एक दो तीन, तीन रिज हमें बनी हुई नज़र आ रही हैं। अब देखिए हमने छः रोज़ और बनानी है, इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करना है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ, कि ये जो उल्टे फंदे हैं अब ये अब यहाँ पे बनेंगे, और जो सीधे फंदे हैं वो अब उल्टे फंदों के ऊपर बनेंगे। बहुत ही आसान है ये पैटर्न। इस पैटर्न की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप डिटेल से इसको देख सकते हैं। छह फंदे सीधे साइड पे जो हमने रखे हुए हैं, इनको राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है। अब देखिए ये फंदे सीधे थे, इनके ऊपर हम उल्टे बनाएंगे, बनाना वही पैटर्न है, हमने चार उल्टे चार सीधे, चार सीधे चार उल्टे बनाए थे पहले हमने, अब हम चार उल्टे चार सीधे बना रहे हैं। तो अब ये जो फंदे ये जो उल्टे थे इनके ऊपर सीधे बना लेंगे, बहुत ही आसान है। अब इन्हीं चार आठ फंदों को जो है वो रिपीट करते जाएंगे, चार फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे। चार उल्टे, चार सीधे, और ये साइड के फंदे हैं इनको हमें सीधा बनाना है, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, देखिए किस तरह से बनानी है। साइड के छह फंदे सीधे, छह, और अब देखिए ये जो हमारे उल्टे फंदे थे इस साइड से, अब हमने इसको इनको किस तरह से बुनना है, यहाँ पर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे,
एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, ये देखिए ये वो फंदे थे ना जो हमने उल्टे फंदों के ऊपर चार फंदे सीधे बनाए थे। अब रॉन्ग साइड से इनको उल्टा बुनना है। फिर से देख लीजिए एक बार, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, इसी को पूरी रो में हमने रिपीट करना है। और देखिए ये साइड वाले फंदे हैं जिनको हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है, तो इनको सीधा बना लेंगे। बहुत ही डिफरेंट सा ये बनकर तैयार होगा हमारा हाफ स्वेटर। अब ये जो दो रोज़ मैंने बनाई हैं, यानी रो नंबर 7 और 8, इसी को रिपीट करेंगे हम दो तो ये बार देखिए और। व्यूअर्स, मैंने दो रोज़ और बना ली हैं पैटर्न की, और 12 रो में हमारा ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया है। 12। अब मैं इसकी लंबाई बनाकर कंप्लीट करती हूँ। जितना भी लंबा आपको चाहिए हो उतना बना लीजिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लिया आर्म होल का बॉर्डर बनाने तक। तो अगर हम इसकी लंबाई को सेंटीमीटर में देखें तो 15 सेंटीमीटर, और इंचेस में देखें तो तकरीबन 6 इंचेस बनकर तैयार कर लिया है मैंने। रिजेस को अगर काउंट करें हम तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 रिजेस हमारी बनी है। और अगर डिज़ाइन को हम देखें कि हमने कितनी बार रिपीट किया है, तो ये जो सीधे सीधे फंदे बने हैं, यानी चार फंदे जो हमने सीधे बनाए हैं बिल्कुल इस सीधी सीधी लाइंस के साथ, तो वो 1, 2, 3, 4 और 5 बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल का बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए देखिए हमने किस तरह से करना है। देखें यहाँ पर, चूंकि मैंने आर्म होल के जो फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ, चार फंदे बाइंड ऑफ करूँगी, तो मैं चार फंदे यहाँ पर सीधे बनाऊँगी और रॉन्ग साइड से भी उनको सीधा बनाऊँगी। यानी यहाँ पर टोटल अभी तो 6 फंदे सीधे सीधे बन रहे हैं राइट साइड रॉन्ग साइड से, अब हमारे 10 फंदे बनेंगे सीधे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर हमारा आर्म होल का बॉर्डर बनेगा। चार फंदे मैं इसमें से डिक्रीज कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये उल्टे फंदे हैं, इन पे सीधे फंदे बनने हैं, तो ये चार फंदे भी हम सीधे ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये सीधे फंदे हैं, इन पे उल्टे फंदे बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4 उल्टे पे सीधे बनाएंगे और सीधे पे उल्टे बनाएंगे। तो लास्ट 10 स्टिचेस तक मैं इसी तरह से इसको बुन लूँगी। चार, और अब ये जो 10 फंदे रह गए हैं हमारे पास, इनको भी सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको हम इसलिए इस तरह से बुन रहे हैं कि हमने आर्म होल का बॉर्डर अलग से फंदे उठाकर नहीं बनाना, हमने साथ साथ ही बॉर्डर बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर 10 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और चार फंदे उल्टे, और जिस तरह से हमारा बाकी डिज़ाइन चल रहा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे लास्ट के 10 स्टिचेस तक।
अब देखिए ये लास्ट 10 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे आर्म होल के बॉर्डर के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए व्यूअर्स, इन्हीं दो रोज़ को मैं रिपीट करूँगी 2 बार और। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने उन्हीं दो रोज़ को 2 बार और रिपीट किया है, तो हमारी यहाँ पर 3 रिचेस बन गई हैं, 1, 2 और 3। अब आर्म होल के लिए हमने बंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ भी करना है और साथ ही साथ हमने वी नेक का बॉर्डर भी यहाँ पर बनाना है। तो मैंने बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में 6 फंदे रखे हैं यहाँ पर वी नेक के बॉर्डर के लिए, और दोनों साइड पे 25-25 फंदे हैं। मैंने 56 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, 6 फंदे दरमियान में रख लिए बॉर्डर के लिए, और 25 फंदे इस तरफ और 25 फंदे इस तरफ हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर साथ ही साथ फंदों को डिक्रीज करना है वी नेक के लिए, और आर्म होल के लिए भी फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो देखिए 4 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी मैं आर्म होल के लिए, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ये आर्म होल के बॉर्डर के लिए फंदे रहेंगे और ये दोनों साइड से हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। तो 5 फंदे हमने सीधे बुने, 1 फंदा ये था हमारे पास, तो टोटल यहाँ पर 6 फंदे हो गए। अब हम देख लेंगे कि हमारा पैटर्न यहाँ पर किस तरह से चलेगा। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितने फंदे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15 15 फंदे हैं इस स्टिच मार्कर तक। तो मैं 13 फंदे बुनूँगी और इसमें साथ ही साथ मैं डिज़ाइन को भी एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ ये सीधे फंदे हैं, इनके ऊपर अब उल्टे फंदे बनेंगे। चार फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। दो फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर वी नेक के लिए हमने फंदे डिक्रीज भी करने हैं, यानी 1 फंदा डिक्रीज करूँगी मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इस स्टिच मार्कर को यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो इस फंदे को निकाल के मैं स्टिच मार्कर को रिमूव करूँगी और इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाऊँगी। तो ये मैंने 14 फंदे बुन लिए थे जिसमें डिज़ाइन भी एडजस्ट किया, और अब ये 15वां फंदा है हमारा। तो इसको मैं जो नेक के बॉर्डर के 6 फंदे छोड़े हुए थे उसमें से 1 फंदा लेके उसके साथ मिलाते हुए 2 फंदों का 1 बनाऊंगी इस तरह से। और पीछे हमारे पास 5 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया है। एक ही साइड का पहले हम वी बनाएंगे, फिर हम दूसरी साइड का वी बनाएंगे। तो यहीं से हम अपनी नीडल को ऐसे पलट लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 6 फंदे नेक के बॉर्डर के सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। हमने अपना साथ साथ यहाँ पर डिज़ाइन भी जो है वो एडजस्ट करना है। 1 फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। और ये 6 फंदे हैं जो आर्म होल के बॉर्डर के लिए रहेंगे, क्योंकि हमने इसका बॉर्डर अलग से नहीं बनाना है। तो इन 6 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी, ये राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इसको सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रॉ है, इसको हमने किस तरह से बनाना है, यानी आर्म होल बनाने के बाद अब ये हमारी थर्ड रॉ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ पर उल्टे फंदे बनाने हैं,
हमारा पैटर्न इस तरह से चल रहा है, यहाँ पर चार फंदे उल्टे बनाएंगे, सॉरी चार फंदे हमने उल्टे बना लिए, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और चार। अब देखिए एक दो, दो फंदे सीधे हैं और ये फंदे जो वी के बॉर्डर के फंदे हैं इनको सीधा बना लेंगे। अब इस सेकेंड रो में हम कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे वी की साइड पे। एक रो हमने रॉन्ग साइड से बनाई थी, वो फर्स्ट रो थी, अब ये जो है डिक्रीज़ नहीं कर रहे, यानी इस सीधी साइड की रो से हम फंदे को डिक्रीज़ नहीं कर रहे। तो एक सीधी सिलाई में हम करेंगे डिक्रीज़ और एक सीधी सिलाई में नहीं करेंगे। तो ये छह फंदे हैं नेक के बॉर्डर के, इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये मार्कर मैं रिमूव कर देती हूँ और इन फंदों को, ये जो दूसरी साइड के हैं, इनको मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी थर्ड रॉ है, एक दो तीन चार, इसको इधर करके, पाँच छः, और देख लेंगे कि ये कौन सा फंदा है हमारा। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और ये आम होल के बॉर्डर के छह फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। अब देखिए इस रॉ में फोर्थ रो है और इस रो में हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है नेक की साइड से, जो हम वी नेक बना रहे हैं उसके लिए हम फंदा डिक्रीज़ करेंगे इस साइड पे। तो छः फंदे सीधे बना लेंगे आर्म होल के बॉर्डर के, चार फंदे उल्टे पैटर्न के, पैटर्न यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, तीन और चार, चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। और अब ये जो फंदा है इसको हम नेक के बैंड के लिए, जो वी नेक का बैंड है, बॉर्डर है, उसके साथ हम मिलाकर इसको सीधा बुन देंगे। यानी इधर से जो छठा फंदा है उसको लेंगे, जो ये छह फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से ये छठा फंदा हम लेंगे, इसके साथ मिलाते हुए इस तरह से सीधा बुन देंगे, दो का एक बनाएंगे। और इसके बाद ये पांच फंदे हैं, इनको सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड से उसी तरह से जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरह से बनाएंगे, यानी वी नेक के फंदे जो हैं इनको, बॉर्डर के फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे और बाकी जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरह से बनाएंगे। आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे दो फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं वी नेक की साइड पे, और अब हमारे पास यहाँ पर 13 स्टिचेस रह गए हैं। तो मैं इसी तरह से डिक्रीज़ करूँगी हर फोर्थ रो में, एवरी फोर्थ रो में फंदा डिक्रीज़ करूँगी, यहाँ तक डिक्रीज़ करती जाऊँगी कि हमारे पास यहाँ पर चार फंदे रह जाएंगे, तब तक मैं इसको डिक्रीज़ करती जाऊँगी। तो मैं ये बनाती हूँ,
तो देखिए व्यूअर्स, मैं फंदे डिक्रीज़ करती गई। हर चौथी रो में मैंने एक फंदा डिक्रीज़ किया वी की साइड पे, और अब यहाँ पर हमारे पास छः फंदे इस तरफ हैं, छः फंदे इस तरफ हैं, दोनों साइड के बॉर्डर के। एक है बॉर्डर वी नेक का और एक है बॉर्डर आर्म होल का, और सेंटर में हमारे पास चार फंदे हैं, यानी टोटल इस वक्त हमारे पास 16 स्टिचेस हैं नीडल पर। तो इसको मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर दूसरी साइड का वी बनाना है। जिस तरह से हमने ये वी बनाया, इसी तरह से हमने इस साइड पे भी वी बनाना है। तो यहाँ पर नीडल पर मेरे पास 25 स्टिचेस हैं, और 6 फंदे मैं यहाँ से पिक करूँगी इसके वी नेक के बॉर्डर के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से नेक को फोल्ड कर लेंगे और इसकी रॉन्ग साइड से हमने फंदे पिक करने हैं। तो जो उल्टी सी लाइन हमें दिखाई दे रही है, उसके ऊपर वाले लूप से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। 6 फंदे उठा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे। तो मैं इस तरह से ये स्लिप नॉट बना के इसमें इस तरह से डाल लूँगी, इससे जो है फंदा लूज़ नहीं होता। तो 5 फंदे मैं यहाँ पर नेक के बैंड में से सीधे बुनूँगी, 2, 3, 4, 5, और ये जो नेक के बैंड का एक फंदा है, इसको अगले फंदे के साथ इस तरह से मिलाते हुए, 2 का 1 बनाते हुए वी को शेप देने के लिए एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज करूँगी, 2 का 1 बनाते हुए। ठीक, अब देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा पैटर्न कौन सा चल रहा है। तो ये 4 फंदे जो हैं ये सीधे हैं, इनके ऊपर उल्टे बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे सीधे फंदे बनने हैं, तो ये 2 फंदे मैं सीधे बना लूँगी, अगले 4 फंदे उल्टे बना लूँगी। अच्छा, यहीं पे हमारे आर्म होल की जो इस साइड क्या है आर्म होल, उसके लिए भी फंदे बाइंड ऑफ होने हैं, तो उनको मैं जो है इस सिलाई में बाइंड ऑफ करने के बजाय रॉन्ग साइड से वो बाइंड ऑफ होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो हम लेफ्ट साइड का जो आर्म होल है, उसको हम रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करते हैं। तो पैटर्न जिस तरह से हमारा चल रहा है, हम उसी तरह से बनाएंगे। इन तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से 4 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे आर्म होल के लिए, नॉर्मल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर मैं 5 फंदे और सीधे बुनूंगी, जो इसको मिला के 6 हो जाएंगे, 2, 3, 4 और 5। अब देख लेंगे कि हमारा यहाँ पर जो पैटर्न है वो किस तरह से चलना है। तो यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, और 2, 4, 6 एक फंदा और उल्टा बनाएंगे, और 6 फंदे यहाँ पर नेक नेक के वी नेक के बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी हमने इस रो में फंदा डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हम 4th रो में फंदा डिक्रीज़ करेंगे। एक रो रॉन्ग साइड से हमारी बन गई है, ये दूसरी रो है। 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, हमारे पैटर्न के फंदे हैं। 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4 धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4
छह फंदे हैं आमहोल के बॉर्डर के, इनको सीधा बुन लेंगे। दो तीन चार पाँच और छः। अब देखिए थर्ड रो है, रॉन्ग साइड है। सबसे पहले आर्म होल के बॉर्डर के छह फंदे सीधे बनाएंगे। दो चार पाँच छः फंदे आर्म होल के बॉर्डर के लिए सीधे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, दो, एक फंदा सीधा और यहाँ पर दो फंदे उल्टे, और छह फंदे नेक के बॉर्डर के हैं, इसको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर इसका वी का फंदा डिक्रीज़ करने के बाद हमारी तीन रोज़ बन गई हैं। ये चौथी रो है और इसमें अब हमने फंदा एक डिक्रीज़ करना है। तो हर फोर्थ रो में, हर चौथी सिलाई में हम फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर के फंदे हैं नेक के, उनको सीधा बुन लेंगे। छः में से पाँच फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदे के नेक के बॉर्डर के एक फंदे को अगले फंदे के साथ मिलाते हुए दो का एक बनाएंगे। एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, और छह फंदे आर्म होल के बॉर्डर के सीधे। क्योंकि हम बॉर्डर जो है इसका साथ साथ ही बना रहे हैं, फंदे हम उठा के अलग से नहीं बनाएंगे। ये देखें इस तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉर्डर हमारा साथ ही बना है, ये देखें। अब हर चौथी सिलाई में मैं फंदा डिक्रीज़ करूँगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इस साइड का वी बनाते हुए फंदा डिक्रीज़ किया है, यहाँ तक कि हमारे पास यहाँ पर चार फंदे रह जाएंगे। दरमियान में छः फंदे इस तरफ, छः फंदे इस तरफ, और दरमियान में चार फंदे रह जाएंगे, यानी टोटल यहाँ पे 16 स्टिचेस रह जाएंगे। मैं तब तक फंदे इस साइड पे भी डिक्रीज़ करूँगी और वी नेक को कम्प्लीट। देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड के वी नेक के भी फंदे उसी तरह से डिक्रीज़ कर दिए हैं। हर फोर्थ रो में मैंने फंदा डिक्रीज़ किया है और अब शोल्डर पर हमारे पास 16 स्टिचेस हैं, 6 + 4 + 6 स्टिचेस। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जब हमने आम के फंदे, आम होल के लिए फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ किए थे, यहाँ पर हमारे पास 15 स्टिचेस थे और अब यहाँ पर दरमियान में हमारे पास जो हैं वो 4 स्टिचेस रह गए हैं, यानी 11 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। और अगर रिजेस को काउंट करें तो हमारे नेक की यहाँ पर रिजेस जो हैं वो बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, रिजेस हमारी यहाँ पर नेक की साइड पे बनी हैं। तो आर्म होल जब हमने डिक्रीज़ किया, या कह लीजिए कि जब हमने वी नेक को बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर हमारी 21 रिजेस बनी हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने ये इसको कंटिन्यू करना है, अपनी ये जो नेक के बैंड की पट्टी है इसको हमने कंटिन्यू करना है और इसको हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। और ये शोल्डर के जो स्टिचेस हैं इसको मैं किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूँगी। तो इनको सीधा सीधा बनाते जाना है हमने, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से हम बनाते हैं। ये हमारी बैक साइड का नेक बनेगा और जब हम बैक साइड बनाएंगे तो ये उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो, दो चार छः, छः फंदे मैं इस पे रख लूँगी और बाकी के जो फंदे हैं इनको मैं स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूँगी। अब मैं नीडल को ऐसे पलट लूँगी और मैं बनाऊँगी तकरीबन यहाँ पर 24 रिजेस, यानी 21 हमारी पहले बनी हुई हैं और 24 मैं और बनाऊँगी। इसी तरह से मैं सीधा बुनती चली जाऊँगी, सीधा सीधा बनाना है।
तो ये देखिए व्यूअर्स, उन्हीं 6 फंदों को मैं, जो नेक के बैंड के हमारे फंदे थे, उन्हीं को मैं बुनती चली गई हूँ। सीधा 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 बनाते हुए मैंने 48 रोज़ या 24 रिजेस बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 रिजेस बन गई हैं। अब मैं इसको भी किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूंगी और बैक साइड का पोर्शन बनाऊंगी। इसको हमने फिर बैक साइड के साथ, जब बैक साइड का पोर्शन बन जाएगा तो फिर उसके साथ हम 3 नीडल बाइंड ऑफ से इसको बाइंड ऑफ करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस नेक के पट्टी को हमने किस तरह से। देखिए व्यूअर्स, हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड का पोर्शन बनाएंगे। तो बैक साइड के लिए भी मैंने, देखिए यहाँ पर 56 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए मैंने 13 रोज बनाई। उसके बाद जो है मैंने इसमें पैटर्न बनाना शुरू किया और पैटर्न की जब ये सीधी सीधी रोज जो है वो 5 बार बन गई, 1 2 3 4 5 बार बन गई, तो फिर मैंने आर्म होल के लिए यहाँ बॉर्डर की 3 रिचेस बनाई। बिल्कुल उसी तरह सेम है ये, यहाँ तक जो मैंने फ्रंट का बनाया था उसी की तरह ये मैंने बैक का बनाया है। तो अब देखिए, हमने दोनों साइड के फंदों को डिक्रीज़ करना है आर्म होल के लिए। तो 4 4 फंदे मैंने डिक्रीज़ किए थे, फ्रंट के लिए भी, बैक के लिए भी मैं 4 ही डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए, 1 2 3 4 और अब 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे रहेंगे आर्म होल के बॉर्डर के फंदे। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारे पैटर्न यहाँ पर उल्टे फंदे बनेंगे। सीधे फंदे बन चुके हैं और इनके ऊपर अब उल्टे फंदे बनेंगे। तो 4 फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी, जिस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 4 फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, चार सीधे, चार उल्टे, चार सीधे, चार उल्टे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है और ये 10 फंदे हैं जो हमने 3 रिजेस बनाई हैं सीधा सीधा बनाते हुए आर्म होल के बॉर्डर के लिए। तो इन 10 फंदों को मैं सीधा बना लूँगी। और अब रॉन्ग साइड से इनको बाइंड ऑफ करूँगी। तो 4 फंदे इस साइड पे भी हमने बाइंड ऑफ करने हैं। 2 फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे और एक को उसके ऊपर से ऐसे पास करते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। 1 2 3 और 4। तो 4 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये टोटल 6 फंदे हो गए। यहाँ पर ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे रहेंगे। अब देखिए, एक फंदा सीधा बनाना है हमने, जिस तरह से हमारा पैटर्न चलता है उसी तरह से हम बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह हम पूरे रो में पैटर्न को रिपीट कर लेंगे लास्ट के 6 स्टिच।
अब ये देखिए लास्ट में हमारे पास 6 फंदे रह गए हैं, ये आर्म होल के बॉर्डर के हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए व्यूअर्स, हमने आर्म होल के लिए फंदों को डिक्रीज़ कर लिया है और अब हम उतनी ही लंबाई इसकी बनाएंगे बैक साइड के भी कंधे की जितनी हमने ये फ्रंट साइड की बनाई थी। तो मैं ये बनाकर कंप्लीट करती हूँ और आगे आपको बताती हूँ कि हमने इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आर्म होल की लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी लास्ट रो बनाना बाकी है और वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बनाऊँगी। इस वक्त नीडल पर हमारे पास 48 स्टिचेस हैं, जिनमें से 10 स्टिचेस मैं इस तरफ रखूँगी, 10 इस तरफ रखूँगी और दरमियान में से 28 स्टिचेस जो है वो बाइंड ऑफ कर दूँगी और उसके साथ फिर सिलाई होगी। ये हमारी जो हमने ये बटन सॉरी नेक के बैंड की पट्टी बनाई हुई है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये रॉन्ग साइड की रो है, लास्ट रो है हमारे बैक साइड की। तो 6 फंदे जिस तरह से हम बनाते आए हैं उनको उसी तरह से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जो पैटर्न हमारा जिस तरह से बन रहा है उसको उसी तरह से बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो अब हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, 2 4 6 8 और 10। अब देखिए यहाँ पर 28 स्टिचेस हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सिंपल जिस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं उस तरह से हम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ये फिर यहाँ पर जो हमने नेक की एक्स्ट्रा पट्टी बनाई थी उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, सिलाई कर देंगे। जब हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इस पट्टी को इसके साथ स्टिच कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 28 स्टिचेस हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। पैटर्न हमारा जिस तरह से चल रहा है हम उसी तरह से बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, ये 4 फंदे हो गए और 6 फंदे जो आर्म होल के बैंड के फंदे हैं, बॉर्डर के फंदे हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पर जो है हम इस पट्टी को बाद में स्टिच करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्टिच होल्डर से इनको नीडल के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब दोनों की राइट साइड को मैच करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से पलट लूँगी और राइट साइड साइड को इस तरह से मैच कर लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से होल्ड करते हुए तीसरी नीडल लूँगी और इससे हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। पहले एक नीडल से फंदा लेंगे, फिर दूसरी नीडल से फंदा लेंगे और इनको इकट्ठा बुनते हुए, ऐसे इकट्ठा बुन लिया, फिर इसी तरह से दोनों नीडल से एक एक फंदा लिया इकट्ठा बुन के। अब जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं इसको अगले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर से इसी तरह से दोनों नीडल से एक एक फंदा लेके इनको ऐसे स्लिप कर देंगे।
और अब मैं थोड़ा लंबा टेल छोड़ के यहाँ से इसको काट लूँगी, क्योंकि इसी से हमें नेक के बैंड की सिलाई भी करनी है। तो इसको इस तरह से इसमें डाल के इस लास्ट स्टिच को भी सिक्योर कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, हमने दूसरी साइड के फंदों को भी इसी तरह से थ्री नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले मैं इस स्टिच होल्डर के फंदे, ये जो फ्रंट साइड का दूसरा वी की दूसरी साइड थी उसके फंदे जो हैं इसको नीडल पे ले लेती हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये देखें, अगर हम इसको इस तरह से मैच करते हुए ऊपर नीचे रखें और इस बैंड को हम इस तरह से लेके जाएं इस तरह, और इसको फिर हम इस तरह से ऐसे रख लें, क्योंकि अब हमने ये जो नेक का बैंड है, नेक का बॉर्डर है, इसको इस साइड के नेक के वी नेक के इस बॉर्डर के साथ इस तरह से फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इस नेक के इस बॉर्डर के फंदे भी जो हैं इन 10 फंदों के साथ जो मैंने दूसरी साइड के शोल्डर के रखे थे उसके साथ ही मैं इस सिलाई पर ले लूँगी। तो आपने ये मेक श्योर रखना है कि इस तरह से ये हमारी इस तरफ है, और ये धागा मैंने इस पे लगा छोड़ दिया था, जो बॉल था इसके साथ अटैच छोड़ दिया था, इसको हमारे इस साइड पे होना चाहिए। इसमें कोई भी आपने ट्विस्ट नहीं रखना, कोई भी बल ना पड़े, और इसको सीधा सीधा इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स, इधर भी 16 स्टिचेस हो गए हैं और इस तरफ भी 16 स्टिचेस हैं। तो मैं इन दोनों नीडल्स को ऐसे मिला के पकड़ूंगी और एक तीसरी नीडल लेके यहाँ पर भी फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले फंदे यहाँ पर इस शोल्डर के बाइंड ऑफ किए हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इस साइड पे भी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। दोनों नीडल से एक एक फंदा फंदे में नीडल डाल के इस तरह से बुन लेंगे और फिर इसको ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो नेक का बॉर्डर था ये इस तरह से ऐसे अटैच हो गया है इस साइड की नेक के बॉर्डर के साथ। मैं आपको दूसरी साइड से भी इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब जो है, अब जो शोल्डर के बाकी फंदे रह गए हैं उनको भी मैं इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, इसके जो नेक का बॉर्डर है इसको स्टिच करने के लिए मैं धागे को इस तरह से नीडल में डाल लूँगी, ये देखें ऐसे, और इसको इस तरह से रख के अब देखिए इसको इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको इस तरह से स्टिच करके। ये देखिए, कोई भी हमें यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा कि कहाँ पे इसको स्टिच किया।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक किसके साथ अटैच हो गया है, ये देखिए राइट साइड से ये इस तरह से नज़र आ रहा है और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। तो अब मैं साइड के भी इसी तरह से साइड, दोनों साइड्स भी अब इसकी देखिए स्टिच कर व्यूअर्स, दूंगी। इसकी इसकी साइड को सिलाई करना है तो दोनों साइड को हम एक ही तरीके से सिलाई करेंगे। तो मैंने इसकी राइट साइड को इस तरह से मैच कर लिया है और अब इन दोनों को बॉर्डर को ऐसे मिला के पहले हम बॉर्डर स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद इसकी दोनों साइड को स्टिच करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड की जो रिजेज हैं इनको इस तरह से आमने सामने हम ले आएंगे और एक साइड से पहले एक रिज में इस तरह से जो उल्टी सी हमें यहाँ गिरे सी नज़र आ रही हैं उसमें ऐसे नीडल डालेंगे और फिर दूसरी साइड में नीडल डालेंगे, फिर एक साइड में डालेंगे, फिर दूसरी साइड में डालेंगे। तो इसी तरह मैं पूरे को स्टिच कर लूँगी। आप देखिए कि इससे बहुत ही अच्छा ये स्टिच होके आता है। तो मैं इस पूरे को स्टिच करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड से इसको सिलाई भी कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत वी नेक हाफ स्वेटर बनकर तैयार हुआ है बच्चे का। और उम्मीद है आपको आज का ये हाफ स्वेटर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसान भी लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।